वाला हूँ अपनी YouTube की अर्निंग का। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक मैंने YouTube से कितने पैसे कमाए इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं पूरी। क्या अनुज भाई, YouTube से कितना पैसे कमाए? अरे अब तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, कितना पैसे कमाए? देखा आप लोगों ने, सुना? इस तरह से लोग हर बार मुझे पूछते हैं कि अनस भाई आपने अभी तक आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आपके अब यूट्यूब की अर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई होगी, कितने पैसे कमाए आपने, ऐसे कई सारे लोग पूछते हैं। अरे भाई मैं नीचे खेलने भी जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ तो भी लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे से तुमने अर्निंग की। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं पूरा खुलासा करने वाला हूँ अपनी यूट्यूब की अर्निंग का। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक मैंने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए इस के बारे में आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मोहम्मद अनस, आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर हूं एक नई खुलासेदार वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं करूंगा अपनी अर्निंग को रिवील। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है एंड यूट्यूब पर आप शायद चाहे 2-3 महीने से भी क्यों ना हो, अब यूट्यूब पर काफी देर दिन से है एंड तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या है अर्निंग करने का। लेकिन अगर आपको यूट्यूब की ज्यादातर नॉलेज नहीं है, आपको यूट्यूब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है एंड उन लोगों के लिए भी है जो कि यूट्यूब की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यूट्यूब हमारे सामने 2 टास्क रखता है जिसे अगर हमने पूरा कर दिया तो यूट्यूब से हम जरूर अर्निंग कर सकते हैं। इस टास्क के दौरान अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं या फिर अगर हम कुछ गलती करते हैं हमारे चैनल में तो ये हमारे चैनल के लिए हार्मफुल तो होता ही है, प्लस इससे यूट्यूब हमें अर्निंग करने नहीं देता। सो इस बात को आप याद रखें कि इस टास्क के बीच में आप कुछ भी गड़बड़ उल्टा सीधा ना करो। एंड फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं हमारे टास्क की जिसकी वजह से यूट्यूब हमें अर्निंग करने के लिए देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क होता है, देखिए लोग, मैं इसलिए कहता हूँ आपको हर वीडियो में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मैं क्यों कहता हूँ पता है? क्योंकि यही यूट्यूब का फर्स्ट टास्क है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब हमसे सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स मांगता है। अगर हमने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिया तो आगे का जो टास्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी आपने ये दोनों चीज 1K सब्सक्राइबर अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपकी यूट्यूब से अर्निंग करने के चांसेस बिल्कुल है। एंड ये तो हो गई फर्स्ट टास्क। एंड सेकेंड टास्क की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड टास्क है हमारा वॉच टाइम। या दोस्तों, यानी कि लोग हमारी वीडियो को 4000 घंटे तक का देखना चाहिए, यानी कि वॉच टाइम हमें 4000 घंटे का पूरा करना होता है। 1K सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम इज इक्वल्स टू मनी, इज इक्वल्स टू अर्निंग। यस दोस्तों, इन दोनों टास्क को अगर हमने कंप्लीटली कर दिया, बीच में यूट्यूब के कुछ गड़बड़ करते हुए अगर हमने कर दिया, एक साल में, याद रहे YouTube हमें टाइमिंग भी देता है एक साल में, यानी कि सपोज अगर हमने जनवरी को अगर हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो अगले साल के यानी कि 2022 के एग्जांपल के लिए 2022 के जनवरी 1st को हमें हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, इसलिए YouTube हमें एक साल देता है। और हाँ, एक चीज जो कि न्यू यूट्यूबर्स की या फिर जो लोगों को न्यू यूट्यूब की नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो लोग एक बहुत बड़ी गलत फैमिली में रहते हैं कि यूट्यूब पर लाइक्स के पैसे आते, कमेंट्स के पैसे आते। नहीं दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को, एक साल के अंदर जो हमें क्राइटेरिया पूरा करना होता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है यूट्यूब की भाषा में मोनेटाइजेशन। या दोस्तों, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इसे कहा जाता है, यानी कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमें यूट्यूब से अर्निंग मिलती है। एंड फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मेरा क्राइटेरिया अब कहाँ तक पहुँच गया है, यानी कि अब यूट्यूब से मेरी अर्निंग कितनी होती है। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, साइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है मेरा वॉच टाइम एंड वो है मेरा सब्सक्राइबर। देखिए, 1K सब्सक्राइबर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, वहां पर टिक भी मिल चुका है। एंड यहाँ पर सेकंड पर आप देखिए वॉच टाइम मेरा जो है अब 1K हो गया है एंड बाकी 3K बाकी है, हो जाएगा कंप्लीटली। आप भी मेरी वीडियोस को देखते नहीं हो यार, लोग जब दूसरे की वीडियो शेयर करते हैं, चाहे वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं या फिर अपने कोई भी ग्रुप में शेयर करते हैं, उनके व्यूज तो आराम से बढ़ जाते हैं। आप कब करोगे यार मेरी वीडियो शेयर? तब पसंद नहीं आती है? फिर भी बताओ कमेंट करके कैसी लगती है मेरी वीडियो। एंड तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यही थी कि यूट्यूब से पैसा हमें कितना मिलता है एंड मैंने आज तक कितना कमाया। सो
अगर आप ये एक न्यू यूट्यूबर है सो मैंने आपको देखी आपकी गलती आप बता दी, आप लाइक्स एंड कमेंट्स के भरोसे आप बिल्कुल भी मत बैठो, आप इस क्राइटेरिया को पूरा करो। एंड एक और बात रह गई है कि एज 18 इयर्स की एज, या दोस्तों सभी लोग कहते हैं कि हर सोशल मीडिया पर 18 साल के ऊपर से कम अगर हम हो तो हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। सो अब मेरा तो क्राइटेरिया मतलब मेरा तो पता नहीं मुझे, हालांकि मैं 18 साल से छोटा हूँ, बट अगर यूट्यूब देखिए मोनेटाइजेशन के लिए मेरा चैनल चला जाता है, अगर वहाँ पर रिव्यू में चला जाता है मेरा चैनल, सो देखते हैं अगर उनकी पॉलिसी में मेरा चैनल फिट होता है सो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं और कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही थी कि आप यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, मैंने आज तक कितनी अर्निंग की।